ये बता रहे हैं कि 30% वर्क्स जो है आप आपको 2021 में जो मानसून से पहले, अब आपको साउथ वेस्ट मानसून जो ख़त्म हो चुका है आपको 30 सितंबर को, और जो 30% आप जो बोले हैं कि मानसून शुरू होने से पहले, तो मानसून आया और चले भी गया, तो जो है ये जो प्रोग्राम का सैंक्शन भी हुआ है और कुछ 888 करोड़ जो है कुछ सैंक्शन किए गए हैं इसको, तो इसके अंदर वो जो साउथ जोन और आपको खैताबाद और ये चार मीनार जोन के अंदर जो है कितने इसमें वर्क्स आते हैं और उसका काम जो कैसा हो रहा है, और जो दूसरी चीज़ ये हुई है कि जब ये आप ये प्रोग्राम ये SNDP का टेकअप किए, तो इसके लिए एक स्पेशल जो सेल आप बनाए हैं, तो स्पेशल सेल बनाए हैं, तो जो है जो रूटीन में काम जो देख रहे थे, जो लोग देख रहे थे GHMC में, उनको आप ये जो नाला डेवलपमेंट के जो विंग के अंदर लाए हैं, तो जो है एक इसमें दो चीज़ें हैं कि आप ये वाइडनिंग ऑफ नालास या उसका डीपनिंग ऑफ नालास एक चीज़ है, और जो दूसरा ये है कि मेंटेनेंस है कि आप वो डीसिल्टिंग का काम हमेशा वो होते रहना है मानसून से पहले, और जो है ये वाइडनिंग का है, और इसके ऊपर जो एनक्रोचमेंट्स है वो उनको भी हटाने का काम है, तो उसमें ये हो रहा है कि कंपनसेशन भी लोगों को दिया जा रहा है और वो लोग आगे बढ़कर तैयार भी हो रहे हैं कि हटने के लिए वहाँ से, तो जो है ये चीज़ों में आपको जो ज़्यादा टाइम जो हो रहा है, तो आप उसको एक्सपर्टाइट करने के लिए आप जो क्या मेजर्स लेंगे वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। విషయంలో గవర్నమెంట్ ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకొచ్చింది, స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ అని. అధ్యక్ష, మన హైదరాబాద్ నగరంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి నాయకత్వంలో ఏ రకంగానైతే ఈరోజు చాలా వేగంగా రోడ్ల అభివృద్ధికి సంబంధించి ఒక వ్యూహాత్మక రోడ్ల అభివృద్ధి ప్రణాళికను తీసుకున్నాము. అదే పద్ధతుల్లో భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, నగరం యొక్క విస్తరణను దృష్టిలో పెట్టుకొని స్ట్రాటజిక్ నాలా డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ కూడా తీసుకున్నాము. అధ్యక్ష, మొదటి దశలో ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ వీ హావ్ శాంక్షన్డ్ 858 crores వర్త్ ఆఫ్ వర్క్స్. And Jafri Saab, all of these works that have been identified have been taken up. Looking at what has happened last year in October, jo October mein baad aayi thi, jo matlab 1908 musi wali jo baad thi, uske baad utni badi barish aur utni badi baad pehli baar aayi, to usko uske maddenazar humne jo program banaya first phase ka, usme jo bhi ilake inundation mein the us din last year October mein, wo sare ilakon ko humne इसमें शामिल करने की कोशिश की. और दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि आपने कहा क्या ये काम 30% जो आपने कहा इसमें आंसर में वो मुकम्मल हुआ. इस साल अनफॉर्चुनेटली आर टेंडर्स एंड अदर वर्क्स आल्सो गॉट डिलेड, सो वी कुड नॉट स्टार्ट द प्रोसेस, बट लाइक आई पॉइंटेड आउट वी आर इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ ऑल टेंडर वर्क्स. वंस दैट इज डन एंड वंस द मॉनसून यू नो काइंड ऑफ वाइंड्स डाउन होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ विल सर्टनली और इवन इन द नेक्स्ट 10 days विल स्टार्ट ऑल द वर्क्स. हमारी स्ट्रैटेजी ये है जाफरी साहब, आप तो जानते ही हो, द एंटायर लेंथ ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, नालास एंड ड्रेनेज एंड सीवरेज सिस्टम इन द सिटी ऑफ हैदराबाद नीड्स अ थरो लुक. इनफैक्ट आई विल टॉक मोर इन द डिस्कशन यू नो इन द आफ्टरनून टुडे, बिकॉज तफसीलात में ओल्ड सिटी के बारे में भी बात करना है, क्या क्या हमने किया ये भी बताना है. बट मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो मुरकी नाला का काम किया गया ओल्ड सिटी में, वो मिसाल है सारे शहर के लिए. मैं आपको और आपके पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, क्योंकि जो काम किया गया ओल्डर सिटी ऑफ हैदराबाद में चंद्रायन गुट्टा से लेकर आप मूसी तक, जो 10 किलोमीटर की मुरकी नाला है जिसमें 3000 से ज़्यादा वहाँ पे इंक्रोचमेंट थे, उनको हटा के आपने बेहतरीन काम किया. वही तरह की काम आज पूरे शहर में करने की हमारी इरादा है. और हमने एक स्ट्रैटेजी भी अपनाया जाफरी साहब, इसमें वी बिलीव इन दिस 3R principle. पहली बात तो यह है कि रिमूव द एंक्रोचमेंट, फर्स्ट आर विल स्टैंड फॉर रिमूवल ऑफ एंक्रोचमेंट. सेकेंडली रिहैबिलिटेट द फैमिली, जो भी वहाँ पे कोई गरीबी रहेगा नाला पे या तालाब के पास, गरीबी आएगा गरीबी रहेगा, क्योंकि वो बदबू के पास और नाला के ठीक बगल में कोई रहना नहीं चाहता, तो उनको रिहैबिलिटेट करने का है, दैट इज़ द सेकेंड आर. और तीसरी आर है रिटेन द नाला विड्थ, क्योंकि हम लोग एंक्रोचमेंट निकाल देंगे पर अगर वहाँ उसको इमीडिएटली रिटेनिंग वॉल या एक मजबूत
कोई कंस्ट्रक्शन करके अगर उसका नाला विड्थ हम लोग परमानेंटली रिटेन नहीं करते हैं तो फिर को बेमतलब हो जाएगा। तो इसीलिए हमने एक 3R एक प्रिंसिपल अपनाया और काम जल्द से जल्द शुरू करेंगे। और आपने कहा कि जो एनुअल मेंटेनेंस की भी बात किया गया, एनुअल मेंटेनेंस हमने पहली बार, नॉर्मली क्या होता था इससे पहले GHMC में और हर म्यूनसिपैलिटी में मॉनसून से पहले मेंटेनेंस किया जाता था, डीसिल्टिंग किया जाता था, बट अभी हमने एक नया फिलॉसफी लाया कि एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए। और उसमें हमने ये रिस्ट्रिक्शन भी निकाल दिया जोनल कमिश्नर के लेवल पे, इससे पहले एक डिजायर्ड क्वांटिटी करके था कि इतना इतना सिल्ट रिमूव करना है, दस दैट वॉट एवर वॉज एस्टिमेटेड बाई द इंजीनियर्स, बट हमने उसको भी हटा दिया। देर इज नो क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन एंड वी विल इंश्योर दैट एनुअल मेंटेनेंस हैपन्स ऑल थ्रू आउट द ईयर एंड वी विल ऑल्सो इंश्योर दैट दिस SNDP प्रोग्राम इज टेकन अप, you know, after the completion of tenders and right after hopefully the rains subside, we'll take it up with full vigor. I'll talk at length. Main tafseelat mein main dopahar mein bolunga, but thank you. Okay.